हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। पहले हम इसे पढ़ लेंगे। अ टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट आर कॉल्ड एज लाइक और सिमिलर टर्म, अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म। मतलब उसमें एक टर्म आती है हैविंग द सेम वेरिएबल विद अ सेम एक्सपोनेंट, उसमें एक टर्म आती है जिसमें कि सेम वेरिएबल आता है विद सेम एक्सपोनेंट, उसमें एक्सपोनेंट भी आता है, उसे लाइक टर्म कहा जाता है। अदरवाइज नहीं तो उसे दे आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म, नहीं तो उसे अनलाइक टर्म कहा जाता है। कॉन्स्टेंट टर्म आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे आर डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल। कॉन्स्टेंट टर्म मतलब 3, 5, 4 ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और जिनमें वेरिएबल आता है उन्हें अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। मतलब 3a इसमें एक कॉन्टेंट डू नॉट हैव एनी वेरिएबल्स, इसमें a वेरिएबल आया इसलिए ये अनलाइक हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे कि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपसे आप तक पहले आए और आप उसे देख पाए। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, बता सकते हैं। गुड बाय।